देखो यार सीधी सीधे बात करूंगा, उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं मैं और मेरा दोस्त रोहित कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर के उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं और भाई सपोर्ट चाहिए सिर्फ आप लोगों का। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है सुकून, जो हम सुकून महसूस कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसे महसूस करो, हमारे थ्रू करो। अगर यहाँ पर आके करोगे तो भाई कुछ नहा के जाइए ना भाई। भाई। तो गाइस यहाँ अपने को जो है बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग मिल चुके हैं और उन्हीं में से भाई में से एक भाई का बर्थडे है। भाई बर्थडे बॉय इधर आ जाओ यार। तो भाई का बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए इससे प्यारी लोकेशन भाई कुछ नहीं हो सकती सच में। एक तो टेम्पल देख करके पहले से मैं खुश था और भाई का बर्थडे देख बर्थडे आज, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू भाई, केक भी खाने को मिल गया। भैया थंबनेल इनकी फोटो लगा, मैं ही लगाऊंगा थंबनेल, व्यूज ही व्यूज आएंगे। इतनी प्यारी लोकेशन मैंने लाइफ में लगभग पहली बार ही देखी होगी। सोचा नहीं था अपना उत्तराखंड इतना भी ज्यादा खूबसूरत है। तो उत्तराखंड को एक या दो व्लॉग में डिस्क्राइब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उत्तराखंड भाई साहब इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं खुद सरप्राइज हो गया, इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस पर गया, लेकिन ये प्लेस तो लगभग मेरा फेवरेट ही हो गया। तो गाइस ये है एक छोटा सा मिनी व्लॉग। मैंने सोचा था जब मेरे पास सारे व्लॉग खत्म हो जाएंगे ना सारे व्लॉग, तब इस वाले व्लॉग को डालूंगा। इतनी प्यारी सी लोकेशन पर मैं बनाने वाला हूँ मैगी। और अभी देवलसारी अपन लोग आ रखे थे, देवलसारी जाते हुए इतना ब्यूटीफुल प्लेस मिला ना, मतलब देवलसारी से अपन लोग घर की तरफ जा रहे थे, इतना ब्यूटीफुल प्लेस मिला, लगभग स्विट्जरलैंड जैसा ही आप बोल सकते हो। भाई चलो फिर यहाँ पर करते हैं अपन लोग मैगी, क्योंकि भाई भूख लग चुकी है, दो बज चुके हैं। तो ये रहेगा आज का मिनी व्लॉग। तो ये खड़ी है अपनी यामा की एमटी भाई, यहाँ पर बंधे हुए हैं अपने बैग वगैरह जो भी जो भाई रेन प्रोटेक्टर के साथ अपन लोगों ने लगाए थे, लेकिन अब खोलने पड़ेंगे। गैस तैयार हो चुका है, पानी की बोतल अपने पास है, मैगी पूरी की पूरी इसके अंदर है। एक बारी व्यू चेक करो भाई, यहाँ पर मैगी बनने वाली है और ये वाला व्यू है गाइस। चल यहाँ पर बहुत तेज ना, तो इसमें प्याज और टमाटर कटेंगे भाई, डायरेक्ट जाएंगे भाई। कसम खा रखी है उत्तराखंड को कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे ना जैसा किसी ने नहीं किया होगा। ऐसी ऐसी जगह जाकर के मैगी बनाएंगे, कभी तो बर्फ़ में मैगी बना देते हैं, कभी भाई ऐसी ऐसी चोटी पर जाकर के मैगी बना देते हैं जहाँ पर मतलब आदमी तक नहीं पहुँच पाता ना, वहाँ तक जाकर के मैगी बना देते हैं। और आज ऐसी लोकेशन पर जाकर के मैगी बना रहे हैं। इधर अपने रोहित भाई काट रहे हैं अभी प्याज और टमाटर। भाई आपको प्याज और टमाटर काटने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है भाई, जो भी बोलो। प्याज तो पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ काटी है। समझ रहे हो ना भाई, एक आपको वाला मेम याद आ गया होगा, चोरी समझ गई। बाकी मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के गाँव से भाई। देखो प्यारी प्यारी सी गाँव है यहाँ पर, प्यारी प्यारी सी गायें यहाँ पर। बाकी डर जाएगी ये, देखो ना डर जाती है गाय, जो गायें होती है ना इनके आसपास कोई आता तो है नहीं, पता लगा मुझको ही उड़ा दिया इन्होंने यार। सबसे अच्छी चीज़ है इनके गले में जो घंटी है ना, वो टन टन की आवाज़ कर रही है। आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ऐसी लोकेशन पे आने का, मात्र एक बाइक उठाइए और 80 किलोमीटर की दूरी है भाई देवलसारी टेंपल की, और 20 रास्ते में आपको इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन मिलेंगी कि आप कहीं भी रुक सकते हो और कहीं भी अपना कैंप वगैरह लगा सकते हो। ये चेक करो भाई, इधर से भी कवर किया हुआ है, इधर से भी कवर किया हुआ है, इधर से भी कवर किया है, इधर पत्थर लगा रखा है, और ये गया अपना मैगी मसाला मैगी में। और यार ये वही वाली अपडेट है भाई जो कि आप कभी सुनना नहीं चाहते, जहाँ भी देहरादून का लड़का जाता है बारिश पीछा नहीं छोड़ती है। मैगी चेक करो भाई, मैगी चेक करो, क्या मस्त वाली मैगी। बस एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मेरे सर पर जो है बारिश लग रही है, टपाटप करके जल्दी जल्दी से मैगी कुक करते हैं और फिर जल्दी से खाते हैं। उस टपरी में बैठ के खाएंगे,
और जल्दी से निकल जाएंगे। भाई सच्ची में सिर्फ अपने ऊपर ही बादल काला हो रखा है। ये देखो भाई, अगर बारिश आई ना भाई, बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तेज बारिश आएगी, निकल नहीं पाएंगे। फटाफट से मैगी यहाँ से खाते हो, निकलेंगे फिर यहाँ से हम जल्दी से। तो ये था मेरा गोल टू बगोलर। भाई की ब्लॉगिंग जो है मेरे को पर्सनली पसंद है, और भाई सीख भी रहा है बहुत अच्छे से करके, बहुत जल्दी ग्रो किया भाई ने। बाकी गाइस ये देखो मैगी आ चुकी है अपनी, कैंपिंग स्टोव गर्म हो रखा है, इसको अभी बाहर में रखेंगे। जल्दी से मैं तो इसमें ही खाता हूँ भाई, और भाई को आदत है अपने बर्तन में खाने की, मतलब उसी में खाने की जिसमें भी भाई कुक करता है। क्योंकि इसका एक बहुत बढ़िया रीज़न भी है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा ज़्यादा बर्तन गंदे करेंगे तो फिर यार वॉश भी तो खुद ही करने पड़ेंगे ना, घर वाले तो यहाँ पे वॉश करने आएंगे नहीं। तो पहले से अपनी हम आदत को, हैबिट को सुधार के चलते हैं। ठीक है भाई, बराबर भाई, बराबर बराबर भाई, बराबर बराबर है दोनों। आप ये मत बोलना कि मैंने आपको कम दे दी भाई, देख लो यार भाई, आप देख लो। सोचा नहीं था भाई इतनी अच्छी टेस्टी मैगी बनेगी भाई। जल्दी जल्दी में कोई भी काम करते हैं ना, वो टेस्टी वाला बनता है। जब भी कुकिंग की है ना भाई जल्दबाजी में, और इतनी प्यारी लोकेशन के साथ भाई, ऊपर वाला भाई स्काई क्या मस्त आ रहा है, जैसे कि इन्हें रुई लगाई हो पीछे की तरफ। बहुत ज़्यादा यम्मी बनी है, बस हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैगी बहुत टेस्टी बनी है भाई, जो भी बोलो आप। तो गाइस बढ़िया बढ़िया सी अपनी मैगी खा चुके हैं, और अभी मौसम भी खुल चुका है थोड़ा सा, जैसा बारिश का हो रहा था वैसा तो नहीं है, अब मस्त वाला मौसम हो चुका है। जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, इसका मस्त करके ब्लू वाला आ चुका है। ऊपर की तरफ बादल थे ब्लैक ब्लैक, वो भी जा चुका है, वो दूर वाली उस साइड वाली तरफ जा चुके हैं भाई। अब जल्दी से बर्तन वगैरह समेटते हैं और बैग करते हैं अपना पैक, और फिर निकलते हैं देहरादून के लिए। बीच रास्ते में एक और जगह रुकना है, परमार भोजनालय। उन लोगों का कमेंट आया था कि भैया हम आपको आवाज़ लगा रहे थे और आप सीधा निकल गए। मैंने उनको बोला, इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था, तो मैंने उनको बोला भाई जाते हुए वापस जाते हुए आपके यहाँ पर ज़रूर रुकूँगा। भाई सच में ये बाइक जो बांधना है ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बैग, एक कैंप, फिर उसके ऊपर बैग, अब एक चौथा छोटा सा बैग भी रह गया। तो इस लोकेशन पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैगी बनाई और बहुत सारी फोटोज़ कैप्चर करवाई, कुछ रील्स भी बनाई, वो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। इंस्टाग्राम का नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, या फिर देहरादून का लड़का आप टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा। और जाते जाते एक फ्री का ज्ञान दे देता हूँ गाइस, अगर जो आप ट्रैवल शुरू करना चाहते हो तो मेरी तरह जो है एक पावर बैंक ले लेना 20,000 mAh का। एक बार चार्ज किया था उसने काफ़ी सारे गियर्स चार्ज कर दिए, और अभी भी जो है ना 40% बचा हुआ है भाई, कल से लेकर अभी तक 40%। तो ये फ्री का ज्ञान भी आपको कैसा लगा तो कमेंट में बता देना भाई। जिन लोगों के पास है उन लोगों को पता होगा कितनी अहमियत होती है ट्रैवल करने के लिए पावर बैंक्स की। तो थोड़ी सी रोड वगैरह टूटी हुई मिलेगी, चलेगा, लेकिन व्यू जो है आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। बिल्कुल कुल्लू मनाली जाकर के भी लोग बोर हो जाते हैं, और वैसे भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ता है अपने देहरादून से, तो भाई 500-600 किलोमीटर पड़ जाता है लगभग भाई। फिर वहाँ पे घूमते भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा जाता है। अगर सस्ते रेट में यार इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन मिल रही होगी आपको तो फिर क्यों ना आओ भाई। और सच्ची बताऊँ ना भाई, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, बर्फ़ वाले टाइम में अगर आप आओगे ना पूरा बर्फ़ से ढका हुआ मिलता है। अगर अच्छी खासी बाइक होगी आपके पास, ऑफ रोडिंग बाइक होगी, तो एक बार प्लीज़ विजिट करना इस वाली लोकेशन पर। बाकी अपन लोग तो निकल गए हैं देहरादून के लिए इतने प्यारे प्यारे मौसम का मज़ा लेते हुए। देखो चलते चलते कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ भाई। यहाँ पर होम स्टेज काफ़ी ज़्यादा हैं, और होम स्टे का जो चार्ज मैंने पता किया था वो था 1000 rupees से स्टार्टिंग थी। अगर आप थोड़ा अप डाउन करोगे तो वो 800 भी कर लेंगे, जिसमें कि खाना भी इंक्लूड है भाई। सच्ची खाना भी इंक्लूड है। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं ना भाई यहाँ करके, यहाँ के जब आप आओगे ना और उनसे बातें करोगे तो भाई फिदा ही हो जाओगे उनकी सादगी पे। बिल्कुल सिंपल लोग हैं, बिल्कुल गांव वाले लोग हैं। और यहाँ पर लोकेशन सिर्फ एक ही अच्छी नहीं है, आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी वहाँ पर बेस्ट लोकेशन होगी। ये देखो भाई, कितनी शांति है गाइस यहाँ पे, कितनी ज़्यादा शांति। चिड़िया कितनी प्यार से चू 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 कर रही है, क्या ही प्यारी साउंड आ रही है यार। मतलब हर सॉन्ग भी फेल है भाई, इतनी ज़्यादा शांति भाई। एक बार इस वाले बोर्ड को चेक करो भाई, येलो थ्रेटेड मार्टिन, मतलब एक तरह की लोमड़ी होती है ये, बहुत खतरनाक वाली लोमड़ी होती है। इसके पंजे भी देखो उन्होंने प्रॉपर बनाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भाई इससे बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है। अगर जो रात को आप यहाँ पे आ रहे हो ना भाई, बिल्कुल ट्रैवल मत करना रात को। अगर जो रात को कोई भी आवाज़ आती है, कोई भी पशु जानवर की आवाज़ आती है या इंसान की भी आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं रुकना भाई इस वाले रास्ते पर। इस रास्ते पर भाई ऐसे धारे जो है आपको मिलते रहेंगे भाई। छोटा सा आ रहा है तुम्हारा देहरादून का लड़का, एक्चुअली सुपर व्यू किया हुआ है इसलिए छोटा सा आ रहा है भाई। ऐसे जैसे धारे जो है ना आपको मिलते रहेंगे बहते हुए, तो कहीं से भी आप पानी पी सकते हो, बिल्कुल फ्रेश होता है नेचुरल पानी। ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर फ्रिज व्रिज की और एसी की, वैसे भी नेचुरली बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है यार। घुमा लेता है इनको यार बाइक पे। बाय बाय बाय।
भाई ये वही वाले बच्चे थे जो अपन लोगों के साथ भाई देवलसारी में बर्थडे केक वगैरह काटा था पिछले वाले व्लॉग में। और भाई उसके बाद से देवलसारी से पैदल आ रहे हैं भाई, कम से कम 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर होगा। अब जाके 1 किलोमीटर बाद इनका गाँव है भाई। बच्चे बहुत ही प्यारे थे यार, बहुत ही क्यूट बच्चे थे, और वहाँ पर थोड़ा सेलिब्रेशन वगैरह करने गए थे। तो मतलब पूरे पहाड़ में यार सारे अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग बसे पड़े हैं भाई। और 7-8 किलोमीटर चलने के बाद भी भाई उनके जो चेहरे पे था ना, जरा सी भी सिकन नहीं थी, जरा सी भी थकान नहीं थी, जैसा हम शहर वालों को लगती है ना भाई, थक गए भाई हम लोग तो, अगर तो हम क्लॉक टावर तक भी पैदल चले जाएँ तो। यू कहते हैं भाई तू क्लॉक टावर तक पैदल होके आता, कैसे कर लेता है भाई तू। और यहाँ देखो 8-9 किलोमीटर तक बंदे पैदल चल रहे हैं। और सुबह घर वालों को फ़ोन किया था, उसके बाद घर वालों को फ़ोन करना ही भूल गया। अभी घर वालों को फ़ोन किया और थोड़ी सी डांट खाई। अभी भाई भी थोड़ी सी डांट खा रहा है उधर खड़ा हुआ है, घर वाला मम्मी को फ़ोन करके। अभी थोड़ी सी ये डांट खाने के बाद थोड़ा पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से और दोबारा यहाँ पर विजिट करूँगा। शायद बर्फ़ वाले टाइम में विजिट करूँ यहाँ पर, क्योंकि लिटरली मुझे बहुत जगह पसंद आई है ये। मैं कह सकता हूँ यार गंगोत्री वाले हाईवे से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेस है, बहुत नियर बाय है। वहाँ तो हमें 300 किलोमीटर जाना पड़ता है, यहाँ तो 100 किलोमीटर पर इतना ब्यूटीफुल प्लेस मिल रहा है। साथ में जान पहचान भी बहुत अच्छी खासी करके आए हैं विलेज में। वापस निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि देहरादून के लिए, जो कि अभी बहुत दूर है। लिटरली हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अभी यहाँ पर 3 बज चुके हैं। हमारे पास 2 घंटे का टाइम होगा देहरादून पहुँचने के लिए। और बीच रास्ते में जो है अभी परमार भोजनालय पर रुकना है भाई। उस भाई बंदे ने जो है स्पेशली बोला था कि भाई आते हुए मेरे यहाँ पर रुकना, तो भाई सबसे अब जो स्टॉपेज होगा वो परमार भोजनालय पे होगा। तो क्या जब भी अपन लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं ना, जब भी हम लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं भाई, मेरे दोस्तों कमेंट आते हैं भाई हमारे क्या लेकर के आएगा, इवन मतलब घर वाले तक पूछते हैं कि क्या लेकर के आया तू। तो भाई ये देखो कुछ इस तरह से करके ऐसे ऐसे मिल जाते हैं पड़े हुए, और यही मैं लिटरली उन लोगों के लिए लेके जाने वाला हूँ। थोड़ा सा साफ सुथरा सा कर दूंगा, ये देखो साफ सा कर दिया भाई, बढ़िया सा कर दिया। और अब ये देखो कितना प्यारा लगता है भाई। शहरों में अगर जो जाओगे ना भाई, इसको ना डेकोरेट करके भेजा जाता है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़। बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। ओ भाई कितना बड़ा पत्थर टूट टूट करके भाई नीचे आ गए, इतना डेंजर था भाई। जाते हुए ऐसा कुछ भी नहीं था, और आते हुए भाई इतने बड़े बड़े पत्थर टूट रखे हैं भाई, एक भी नहीं 2-3 जगह टूट रखे हैं, कहीं रोड कहीं पत्थर ऐसे आ जा रहे हैं भाई। बहुत ही मतलब आराम से यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है, तभी कहते हैं भाई यहाँ पे रात को राइड नहीं कर सकते भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा। आएगी एक दिन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो भाई मेरा बनाता है और बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस जो है ना अपना शेयर करता है भाई। तो चेक करो भाई की वीडियो सारी की सारी। ये है अपने भूपेंद्र भाई जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था, और भूपेंद्र भाई का जो भोजनालय है वो है परमार भोजनालय के नाम से। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट और जो व्यू है पीछे का वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। तो थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए भूपेंद्र भाई कहाँ पे पड़ता है। ये पड़ता है हमारा उत्तरकाशी रोड रोतू की बेली। नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा भाई, तो कभी भी अगर आप इस रास्ते जा रहे हो तो प्लीज़ गाइस यहाँ पर एक बार रुक करके और चाय वगैरह पी करके नाश्ता वगैरह करके ही निकलना। जो भूपेंद्र भाई है भाई वो ऑनर है यहाँ के, तो अभी अपने भूपेंद्र भाई के यहाँ की मैगी चेक करते हैं भाई, और मैगी टेस्ट करके बताऊंगा, और सच्ची सच्ची वाली बताऊंगा यार, जुड़ वाली नहीं बताऊंगा यार। वैसे तो आप कलर देख करके समझ ही गए होंगे भाई, बहुत ओपी लग रही है, बहुत ऑसम लग रही है, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर हमने चाय ली, चाय के साथ बिस्किट, साथ में मैग टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ की मैगी। और अपने जो रोहित भाई है, रोहित भाई कैसा टेस्ट है भाई? जबरदस्त